तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया सब? तो गाइस मेरा नाम अनमोल और आप देख रहे हैं आपका अपने लिए टेक्नो विद गेमिंग। तो गाइस आज हम फिर से खेलने वाले हैं GTA 5। और गाइस जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि भाई हमने माफिया बॉस की जो विंटेज कार जो की पूरी गोल्ड की थी वो हमने बेच दिया, और गाइस उसका पैसे हमारे अकाउंट में आ चुके हैं, ठीक है? क्योंकि वो गाइस पैसे आए थे माइकल के अकाउंट में, और उसका 50% माइकल ने रख लिया और 50% हमें दे दिया, क्योंकि भाई ये सारी प्लानिंग माइकल की थी। बट गाइस एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि भाई हमने माफिया बॉस को जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है गाइस। अब उसने हम लोगों के बारे में पता लगा लिया है कि भाई उसकी कार चोरी कराने के पीछे हाथ किसका था। तो गाइस सीन ये हुआ कि भाई उसने पता कर लिया, और मेरे को लगता है माइकल के साथ बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो भाई मैं माइकल से बोल रहा हूँ कि भाई तू घर वर चेंज कर दे, तो माइकल भी मेरे से बोल रहा है कि हाँ भाई मैं जल्दी जल्द से जल्द घर चेंज करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि भाई माइकल के घर के बारे में माफिया बॉस को सब कुछ पता है, और मेरे को बस यही बात का डर लग रहा है कि भाई वो उसकी फैमिली को किडनैप ना कर ले, क्योंकि भाई उसकी गोल्ड की कार हमने उसे बहुत मतलब आप समझ सकते हो ना, चूना लगा दिया एक तरह से उसको। तो भाई उसका गुस्सा होना भी जायज़ है, बट यार अब देखते हैं आगे क्या सीन है। तो गाइस आज सीन ये हुआ कि भाई मैंने इंडिया से एक बाइक मंगाई है, जो कि भाई अपने इंडिया में हर जगह बहुत ज़्यादा ही फेमस है गाइस। रॉयल एनफील्ड की बुलेट मंगाई है मैंने, ठीक है? तो गाइस वो कार आ चुकी है हमारी एयरपोर्ट पे, क्योंकि गाइस वो बाहर से आई है इंडिया से, तो गाइस वो सीधा एयरपोर्ट पर आ गई है वहाँ पर। और भाई मेरे को सुबह कॉल आ गया था कि भाई आपकी जो बाइक है वो आ चुकी है, तो गाइस अभी हम चलते हैं एयरपोर्ट पर और उस कार को हम लेके आएंगे वहाँ से। तो गाइस ये रही हमारी गाड़ी, और गाइस मैंने गाड़ी भी चोरी करके रखी हुई है बहुत ही मस्त, तो आज हम इस गाड़ी को लेके चलते हैं वहाँ पे। तो गाइस अभी हम इस गाड़ी से चलने वाले हैं सीधा एयरपोर्ट पे, और गाइस वहाँ पे हमने अपनी जो बाइक है वो आ रखी है, और गाइस हम वहीं पे लगे हाँ तो उसकी स्पीड टेस्ट वगैरह भी कर लेंगे और बढ़िया मस्त तरीके से देख लेंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ इतना दिक्कत भी नहीं होती है, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हाँ तो बस अभी हम आ चुके हैं एयरपोर्ट पे, और भाई सीधा चलते हैं अंदर की तरफ। और भाई ये बाइक मंगाने से ज़्यादा मेरे को टेंशन इस बात की हो रही है कि भाई माफिया बॉस को हमारे बारे में पता लग चुका है यार, अब वो पता नहीं हमारे साथ क्या करने वाला है। तो गाइस मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा कंफर्म करता हूँ कि भाई वो बाइक हमारी कौन से गैराज में, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत सारे गैराज है, तो मैं एक बार ही पता कर लेता हूँ। हाँ तो गाइस अभी हम आ चुके हैं इसमें, ठीक है? पहले गैराज में थी भाई, यहाँ पे प्लेन अभी आया नहीं था, ठीक है? ये प्लेन अभी अभी आया है गाइस, इसमें से सारी गाड़ियाँ मतलब अनलोड हुई हैं। तो भाई जैसे कि कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी वगैरह मंगाई होंगी, ठीक है? उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बाकी यार गाड़ियाँ तो बहुत मस्त हैं। बट गाइस जो हमारा मेन है सबसे बेहतरीन वो है गाइस हमारी ये बुलेट, और जैसे कि आप देख सकते हो यार क्या लुक लग रहा है भाई, बिल्कुल प्योर माल लग रहा है मेरे को तो इंडिया का भाई, कोई भी अपने बात धोखाधड़ी नहीं हुई है। तो इसको करते हैं अनलॉक और स्टार्ट करके देखते हैं। ओ भाई साउंड सुनो यार, बिल्कुल ओरिजिनल साउंड है गाइस इसका। अब देखते हैं बाहर, भाई लग रही है ना मस्त अपने लौंडे के ऊपर। अरे यार ये हेलमेट वेलमेट मत पहना कर, अपना यहाँ कोई चालान वालान नहीं काटता वरना भाई वैसे सेफ्टी के लिए भाई सही है हेलमेट। तो भाई अभी ये रनवे पड़ा है खाली, और इस पर हम दौड़ाने वाले अपनी बुलेट, और देखते हैं भाई कितनी स्पीड है। बाकी गाइस हम इसको यहाँ से बैनी मोटर वर्कशॉप से भाई इसको कस्टमाइज वगैरह भी करा लेंगे, ठीक है? अभी तो ऐसे ही चलाते हैं इसको। तो भाई स्टार्ट हो जा, और देखते हैं भाई कितनी टॉप स्पीड इसकी कितनी है। तो गाइस टॉप स्पीड इसकी इतनी कुछ खास नहीं है, बट हम गाइस इसको मॉडिफाई वगैरह करा के ना इसको 200 तक तो मैक्स कर ही लेंगे, क्योंकि भाई इतनी महंगी गाड़ी खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता है अगर उसके अंदर स्पीड ना हो। बाकी दिखने में तो भाई मेरे को बहुत मस्त लग रही है, आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई आप लोगों को कैसी लग रही है, मेरे को तो एकदम फर्स्ट क्लास मस्त लग रही है। और
और हाँ गाइस, जो हमने गाड़ी अभी जिस गाड़ी से हम आए थे ठीक है, वो गाड़ी मैंने पीछे की साइड उधर पार्क कर रखी है पार्किंग में, तो उसको मैं कभी बाद में ले जाऊंगा। अभी सबसे मेन है भाई हमारी बुलेट, और इसको हम लेके चलते हैं अपने घर पे भाई, और वहाँ गैराज में इसे खड़ी करेंगे। देखते हैं भाई वहाँ के लोगों का रिएक्शन क्या होता है। बाकी यार मस्त लग रही है भाई मेरे को तो, आप लोग बताना भाई आपको कैसी लग रही है। और हाँ गाइस, मैं बात कर रहा था उसकी यार माफिया बॉस की, गाइस उसकी मेरे को बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो रही है यार। उसको पता नहीं कैसे पता लग गया भाई, मैंने बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से सारा कुछ सेट कर रखा था, बट पता नहीं गाइस उसने कैसे पता निकाल लिया है। अब यार कुछ पंगा वंगा ना हो जाए, अगर पंगा हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि हम लोगों के साथ में कुछ पंगा वंगा हो जाए यार। क्योंकि अगर उसके साथ पंगा लेना पड़ेगा तो भाई उससे पंगा लेने के लिए भाई मेरे को ना, मेरी नज़रों में सबसे ख़तरनाक इंसान है वो है भाई ट्रेवर ठीक है। तो अगर कुछ भी मैटर वगैरह होता है तो भाई मैं सारा कुछ से ट्रेवर को बोल दूँगा कि भाई ऐसा ऐसा सीन हो गया है, वही कुछ कर सकता है ठीक है। क्योंकि भाई वो बागे में बहुत ख़तरनाक इंसान है ड्राइवर जो है हमारा, वो थोड़ा सनकी टाइप का है, उसको भाई मर्डर ऑर्डर करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होती, कुछ भी, सच्ची बता रहा हूँ भाई। वो ना अलग ही टाइप का बंदा है, उसे तुम्हारे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो होगा गाइस देख लेंगे यार, जो भी होगा निपट लिया जाएगा। अभी चलते हैं सिंपली वहाँ पे अपने घर पे, और भाई इसको खड़ी करते हैं वहाँ पे, और हम इसको कस्टमाइज करा लेंगे। अरे भाई ठुक मत, हाँ तो भाई अभी हम आ चुके हैं अपने घर पे और इसको खड़ी करते हैं वहाँ पे। और हाँ गाइज यार, आप लोग ना, आप लोगों से मेरी एक थोड़ी सी कंप्लेंट ये है कि भाई आप लोग ना वीडियो को लाइक वगैरह भी नहीं करते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। भाई आप लोग नहीं चाहते हो क्या यार कि मेरे बन के सब्सक्राइबर हो यार? अगर भाई जो लोग भी नए वीडियो देखते हो ना यार, उसको यार मतलब सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, और शूट करो फिर रिकॉर्डिंग फिर एडिट लौड़ा द लहसुन, समझ सकते हो ना आप कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। बाकी यार आप समझदार हो ही भाई, वीडियो ना अच्छी लगे, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है ना तो लाइक करके तो जाया करो यार, और नीचे प्यारा सा कमेंट भी कर दोगे तो भाई और ज़्यादा ही बढ़िया। और बाकी गाइस ये एक हमारी बाइक खड़ी है ठीक है ये तो, और ये हमारी कार है। और बाकी गाइस धीरे धीरे भाई पैसे वैसे आएंगे तो मैं जल्दी से अपना घर चेंज कर दूंगा, क्योंकि भाई मेरे को यहाँ पे रहने के पता है बहुत ज़्यादा ही ताने सुनने पड़ते हैं ठीक है। मैं यहाँ फुल रौले में नहीं रह सकता हूँ यार, लिमिट में रहना पड़ता है अपना भाई, क्योंकि दूसरे का घर दूसरा ही होता है। तो मैं जल्द से जल्द भाई अपना घर भी चेंज करने वाला हूँ इसमें। तो बस गाइस यही था आज की वीडियो में, और गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना मेरी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।